हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सरफराज। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि सर, यामिनी इन्वेस्टमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ वो एक मल्टी बैगर पैनी स्क्रिप्ट है। मैं पैनी स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मल्टी बैगर पैनी स्क्रिप्ट बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यामिनी इन्वेस्टमेंट किसी टाइम पर 500 रुपये पर चला करती थी और फिर एकदम से 500 रुपये से 100 रुपये पर आ गई और 100 रुपये से गिरते 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 ये बिलो ₹1 आ गई और 50 पैसे से भी कम आ गई। हाल ही में इसका जो 52 वीक लो है वो 42-43 पैसे के आसपास है और 3 रुपये के आसपास का इसने 52 वीक हाई बना रखा है। यानी कि इसने 50 पैसे से नीचे जाने के बाद में वापस से एक तेज़ी दिखाई, 6 गुना रिटर्न इन्वेस्टर्स को दिया जिन्होंने भी 50 पैसे के नीचे इस पर इन्वेस्टमेंट किया और उनको अच्छा रिटर्न दिया 6 गुना और अभी वापस से 1 रुपये पर आ गई है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो जो ये 1 रुपये पर आई हुई है इस पर इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो उसको भी एनालाइज करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा, रियलाइज़ होगा कि 1 रुपया इसके लिए अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल है, यानी कि इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू और देखिए कि इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें, मैं क्यों राय दे रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने की। भाई, 500 रुपये के लेवल का शेयर 100 रुपये तक आया, फिर डाउनफॉल आ गया और अब 1 रुपये पे है, मार्केट कैप भी अच्छा है और ये ना ASM लिस्ट में ना GSM लिस्ट में 1000 रुपये का हम इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं और 1000 शेयर लेते हैं तो फ्रेंड्स, पैनी स्टॉक में इतनी रिस्क लेनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट 0 भी हो जाए तो दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इतना रिस्क हमें हमेशा इन पैनी स्टॉक्स में लेना चाहिए। अगर हम 100-200 शेयर खरीदेंगे ना इसमें 100-200 रुपये के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम शेयर मार्केट में। 100-200 शेयर, अगर ये शेयर 10 रुपये का भी हो गया और आपको 2-3 हज़ार रुपये मिल गए तो क्या अर्न किया आपने शेयर मार्केट में दिमाग लगाने के बाद में? अगर हम रिस्क भी ले रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, हमारा दिमाग भी खपा रहे हैं और हमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 2-3 हज़ार रुपये का रिटर्न मिल रहा है तो क्या फ़ायदा शेयर मार्केट में काम करने का? कम से कम ऐसे स्क्रिप्ट्स में 1000 शेयर मिनिमम खरीदने चाहिए। मैं मेरा फंडा बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से काम कीजिए, आप जो करना चाहते हैं, लेकिन मैं मेरा फंडा बता रहा हूँ। इस तरह के शेयर से मैं मिनिमम 1000 शेयर तो खरीदता ही। मैंने आपको पहले बताया पैनी स्क्रिप्ट में इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, 1000-2000 रुपये हम इधर उधर पार्टी में उड़ा देते हैं। तो आप कम से कम इसमें 1000 शेयर मिनिमम खरीद लीजिए, 1 रुपये के आसपास का शेयर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आने वाले टाइम में आपको ये एक अच्छा रिटर्न दे देगा। क्योंकि ASM GSM लिस्ट में नहीं है, मार्केट कैप अच्छा है, आप देख लीजिएगा, रियलाइज़ कर लीजिएगा और जिस लेवल से टूट करके नीचे आया हुआ है इसमें अभी भी इतना मादा है कि आपको 1 रुपये पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में 5 रुपये तक का तो रिटर्न दे ही देगा, यानी 5 गुना रिटर्न आपको अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट में वापस से मिल सकता है। और हाल ही में इसने 50 पैसे से नीचे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को 6 गुना रिटर्न दिया ही है, 3 रुपये समथिंग का फोटो भी हाई बना कर ले, आप चाहे वैल्यूज देख लीजिएगा। तो जो चीज़ हम उसे जानना चाह रहे थे वो मैंने आपको बता दी, मल्टीबैगर पैनी स्क्रिप्ट है, 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, 1000 शेयर खरीद लीजिए और टेंशन फ्री होकर के इन्वेस्टमेंट 0 भी हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपको इसी तरह के स्क्रिप्ट में इसी तरह की बातें जाननी हो, क्योंकि मैं लैपटॉप वगैरह लेकर के कोई फाइनेंशियल वैल्यूज़ वगैरह की बात नहीं करता, क्योंकि कुछ शेयर्स में इस तरह की बातें करना बेकार होता है, ऑपरेटर गेम भी रहता है तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। कभी कभार बिना फाइनेंशियल वैल्यूज़ का एनालाइज करें, फंडामेंटल्स का एनालाइज करें, कई शेयर्स रन करते हैं और 1 रुपये से 10 रुपये तक, 20 रुपये तक, 30 रुपये तक, 40 रुपये तक पहुँच जाते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देते हैं। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स इसकी जब बेटर होने लगेंगे तब आपको अपने आप पता लगने लगेगा, शेयर अपर राइज करने लगेगा और ये तो ज़मीन पर आया हुआ शेयर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करने का ना कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, इस तरह के शेयर्स में इस तरह की बातें अगर आपको जाननी हो और अपग्रेड रहना हो मेरी बातों से, मेरी कही हुई स्क्रिप्ट्स के बारे में जो आप लोगों को सुनना पसंद है या नहीं लेकिन मुझे बताना ज़रूर पसंद है, तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और प्लीज़ वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।